हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नेहा सिंह, योर इंग्लिश टीचर। और आपने हनी शक्ल का चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा था। चैप्टर सेकंड जो आपका था, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, इसका अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि कुत्ते ने भालू को अपने मास्टर के रूप में चुना। आगे क्या हुआ देखते हैं। दे वाग्ड, दे कौन था, डॉग एंड बियर, उन लोगों ने क्या करा संगमल के, दे वाग्ड, वो चले। एंड सून साए हर्ड अ पाओ, उन्हें जल्दी ये कह कर झुंड में मिल गया इनको, उनको शिकार करना था। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू दाइट, जैसे वो उसके पास पहुँच पाते, दे स्टार्ट बाई टेरिबल नॉइस, डॉग को और बियर को एक बहुत डरावनी आवाज़ सुनाई दी। और वही आवाज़ सुन के द काउज वर मोइंग लाउडली, गाय भी बहुत चिल्लाई, एंड रनिंग इन पैनिक पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, जल्दी में डर के वो इधर उधर भागने लगी। द बियर लुकड आउट, भालू ने देखा, फ्रॉम द बिहाइंड, पीछे से छुपके, ट्री पेड़ के पीछे से छुपके, एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और उसने जो भी देखा उसे देखकर भालू भी जो था जंगल के बीचों बीच भागने लगा। अब क्या हुआ, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, कुत्ता भी उसके संग भागा। और कुत्ते ने पूछा भालू से कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सेड ही टू द डॉग, इट इज़ अ लायन, यहाँ पे शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, जो इस पूरे हिस्से में जंगल पे अपना पूरा रूल्स करता, शासन करता। द लायन, हु इज ही, लायन वो कौन है, कुत्ते ने पूछा। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, लायन है वो इस पूरी पृथ्वी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट माना था एनिमल है। वेल देन, फिर आई वुड से गुड बाय टू यू, कुत्ते ने देखा कि भालू उसे बता रहा है कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट अगर लायन है तो मैं इसे अपना मालिक क्यों बनाऊँ, तो मैं लायन के पास ही क्यों नहीं जाता हूँ। इसलिए क्या करा कुत्ते ने, भालू से क्या कहा, आई विल से गुड बाय टू यू, कि फिर तो मैं अब तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ। एंड आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन अर्थ, मुझे तो ऐसा मास्टर चाहिए है जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, इसके बाद कुत्ता गया लायन के पास में उससे पूछने कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। द लायन एग्रीड टू इट, लायन भी एग्री हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके संग रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और उसकी कई कई बहुत समय तक उसकी सेवा करता रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ, उनकी जीवन बहुत अच्छा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेंट ऑफ, और कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि कुत्ते के लिए पूरे जंगल में लायन से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी में हिम्मत नहीं थी कि लॉयन के जो सर्वेंट थे डॉग उसको कोई टच कर पाए। एंड ऑफर्ड हिम इन एनी वे, अब आगे क्या हुआ, बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, डेट टू ऑफ देम, वो दोनों जो थे वर वॉकिंग साइड बाई साइड, वो दोनों एक साथ साथ चल रहे थे अलॉन्ग द पाथ रोड के किनारे, डेट रैन अमिड बियर क्लिफ्स, वैन ऑल ऑफ सडन द लैंड स्टॉप। अब हुआ क्या, अमिट वेयर क्लिप्स, क्लिप्स होते हैं स्टीप हाई रॉक, बहुत ऊंची चट्टान से एक ऐसी आवाज़ आई, कुत्ता जो शेर था वो एकदम से रुक गया। ही गिव ए ग्रेट रोअर, से जो था बहुत तेज से दहाड़ा, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और जमीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ बहुत गुस्से से देखने लगा। विद हिज पॉज एंड सच फोर्स दैट अ होल हार्म, अपने पंजे से गुस्से में पूरा जो मिट्टी है उसको कुरेट डाला उसने, होल कर दिया। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्विकली, उसके बाद वो क्या है पीछे की तरफ मुड़ के चलने लगा। वाट इज इट, क्या है मास्टर, मालिक, इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कोई बात हो गई है, आस्क्ड द डॉग, कुत्ते ने पूछा सरप्राइज में कि इतनी तेज से जो है शेर क्यों चिल्लाया, उसने क्यों जमीन खोदी। आई स्मेल अ मैन कम इन दिस वे, तो लायन कहता है कि मुझे महक आ रही है कि कोई आदमी इस रास्ते में आ रहा है। द लायन सेड वी वुड बेटर रन फॉर इट, अच्छा है हम यहाँ से भाग लें, और वी विल बी इन ट्रबल, इसलिए बनना हम लोगों पर कोई आफत आ जाएगी, कोई शिकार कर लेगा। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो अब कुत्ता सोचता है अच्छा मालिक आ रहा है, तो अगर शेर भाग रहा है, मतलब सॉरी इंसान आ रहा है और शेर भाग रहा है, तो इसका मतलब इंसान ज़्यादा ताकतवर है। तो कुत्ता उसे क्या करता है, तो मैं तुम्हें भी गुड बाय बोलूँगा। आई वांट अ मास्टर, मुझे एक ऐसे मालिक की तलाश है हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। उसके बाद क्या हुआ, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, उसके बाद कुत्ता चला गया इंसान के पास। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके संग रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी फेथफुली माने होता है बिल्कुल, फेथफुली माने होता है वफादारी से सेवा करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत पहले की कहानी है, बट टू दिस डे, और उस दिन से द डॉग इज़ द मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कुत्ता जो है इंसान का बहुत ही ज़्यादा वफादार नौकर बन गया। एंड नोज नो अदर मास्टर, उसके बाद उसने कोई भी मास्टर नहीं चुना। तो इस तरीके से कुत्ता जो था इंसान का एक मास्टर, सॉरी एक सर्वेंट बन गया, और वो उसका लोग अपने घरों में पालन करने लगे। तो ये स्टोरी थी, आपको आई होप आपको ये समझ में आएगी, इसको पढ़िए, उसके बाद में इसके हम आपको क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, उसको सॉल्व करिए। थैंक यू।